थाना काटग्राम डेहरा में रहने वाले मोनू वाल्मीकि पुत्र राजेश वाल्मीकि ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिजनों के साथ आकर एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें कहा कि गांव के ही कुछ दबंग युवक द्वारा उनके परिवार के साथ व उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार मोनू वाल्मीकि गांव में ही सब्जी लेने गया था, जहां पर उसने सब्जी कम देने का दुकानदार मंगल से विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बात इतनी बड़ी कि दोनों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मोनू वाल्मीकि को गंभीर चोटें आईं। उसने इसकी शिकायत संबंधित थाने को की तो पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर IPC की धारा 324, 323, 604 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जब दो दिन बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित शिकायती पत्र देकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायती पत्र के माध्यम से कहा गया कि मामले की जांच कर आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। जी, मैं मेरे साथ में जानलेवा हमला हुआ है, वो लोग यादव हैं और मैं दलित हूँ। बाकी साहब, मैं इंसाफ मांगना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे जानलेवा हमला किया जा रहा है, मेरे पीछे धमकी दी जा रही है। बाकी मुझे पुलिस की तरफ से ही, प्रशासन की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही है, ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो आज आप कहाँ पाए हो? SSP ऑफिस। क्या कहा उन्होंने? तो मिले नहीं है। दो भैया हैं, दोनों भाइयों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, बहुत मारा है मेरे को, चोट मारी गई है गले पे। चलो यार, तो पुलिस ने पकड़ा किसी को? अभी नहीं पकड़ा किसी को। तो क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं इंसाफ, चाहते हैं उन्हें पकड़े, अदालत जेल को जेल जाए, वो इंसाफ मिले हमें। ठीक, 30 तारीख की वारदात है। कौन कौन है, क्या क्या नाम है? एक नाम मंगल नाम है, बड़े भाई का नाम मंगल यादव है, छोटे भाई का विनीत यादव है। कौन से थाने का मामला? काट थाना। थाने गए थे तुम? गांव डेरा। थाने गए थे तुम लोग? जी गए थे। पुलिस का भी यही है कि फैसला लो, पुलिस के भी यही मांग है कि फैसला, उन पे दबाव पड़ रहा है, फैसला कर लो। हम फैसला नहीं चाहते, हम अदालत जेल भेजना चाहते हैं साहब, हमें बहुत मारा गया।